हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मतलब एक क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री देखी थी रोड्स के बारे में, है ना। तो वही चल रहा है। और हमने जो भी कमिटीज़ वगैरह गठित हुई थी उनके रिकमेंडेशंस देखे, CRRI की भी हम लोगों ने स्थापना देखी, हेडक्वार्टर देखा, ठीक है, NHA देखा, मतलब नेशनल हाईवे एक्ट, जो भी एक्ट डेवलप हुए थे, मतलब लागू हुए थे जब रोड स्टार्ट हुई थी, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया हुआ, मतलब पढ़ लिया था, ठीक है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, NHAI की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। आज का ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि और भी आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। दो प्रोग्राम थे, गोल्डन क्वाड्रेंटल एंड नेशनल कॉरिडोर, है ना। रोड्स के बारे में पढ़ा था, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, NH, SH, MDR, ODR एंड VR, ठीक है। आज हम उसके आगे कंप्लीट करेंगे। आज मतलब इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट ही कर देंगे, ओके। तो आइए चलते हैं। तो मतलब क्या था कि सरकार ने एक प्लान स्टार्ट किए, जिसे 20 ईयर प्लान बोलते हैं, NHAI के द्वारा ये हुए थे। तो हुआ क्या था कि 20 साल में आपको टारगेट दिया जा गया था कि 20 साल में आपको इतनी रोड कंप्लीट करनी है। तो जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ 20 ईयर प्लान, ठीक है, एक मिनट। वॉइस वगैरह क्लियर हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। आई होप वॉइस वगैरह क्लियर होगी। थोड़ा पेंसिल मोटी ज़्यादा हो रही है, इसको पतला कर लेते हैं, है ना। तो पहला 20 ईयर प्लान हमारा था, ठीक है। अगर इसको डिस्क्रिप्शन में लिखने की वजह हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मतलब जो तीन प्लान थे, तीनों प्लान को हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ लिखेंगे उसके फीचर्स, कि क्या क्या फीचर्स थे, ठीक। फर्स्ट 20 ईयर प्लान, ठीक है। सेकेंड 20 ईयर प्लान एंड थर्ड 20 ईयर प्लान, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है ड्यूरेशन, यानी कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था उसका ड्यूरेशन क्या था, मतलब उसकी टाइमिंग क्या थी। उसकी टाइमिंग थी 1943 टू 1963 तक। सेकेंड ईयर की रोड प्लान की टाइमिंग जो थी 1961 से 1981 तक। और जो थर्ड 20 ईयर प्लान था वो था 1981 से 2001। अब आप ये कह रहे होंगे, आपके मन में एक डाउट हुआ होगा कि जब ये प्लान, फर्स्ट प्लान 63 में कंप्लीट हुआ है, तो सेकंड प्लान 61 में कैसे स्टार्ट हो गया। वो एक्चुअली हुआ ये था कि इनको जो टारगेट मिला हुआ था वो उन्होंने 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया था। जब 2 साल पहले इनका टारगेट अचीव हो गया था तो क्या हुआ था, तो 1961 में सेकंड 20 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। फर्स्ट 20 ईयर प्लान को किस किस नेम से, मतलब किस नाम से जानते हैं, 20 ईयर प्लान को किस नेम से जानते हैं, इनके नेम लिखेंगे, दूसरे पेन से लिख देते हैं। पहला जो 20 ईयर प्लान था उसे हम लोग कहते थे नागपुर प्लान, ठीक है। तो सेकंड 20 ईयर प्लान था उसे हम लोग कह रहे थे क्या, बॉम्बे प्लान, ठीक है। थर्ड जो था उसे हम क्या कहते हैं, लखनऊ प्लान, ठीक है। इसको जो टारगेट मिला था, मतलब फर्स्ट वाले को टारगेट क्या कहते हैं, जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान में टारगेट था हमारा कि 16
किलोमीटर रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में हमें 16 किलोमीटर रोड बनानी है। और सेकंड 20 ईयर प्लान में क्या था, जब उन्हें लगा कि ये तो 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया, मतलब जितना जल्दी हो जाता है, तो इनको जो टारगेट मिला थोड़ा बढ़ा के मिला, जो मिला 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो था 82 किलोमीटर था थर्ड प्लान के लिए, थर्ड 20 ईयर प्लान के लिए, पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इनके रोड पैटर्न क्या क्या थे ये देखते हैं। जो रोड रोड पैटर्न था फर्स्ट 20 ईयर, मतलब नागपुर प्लान का जो रोड पैटर्न था वो था स्टार एंड ग्रिड। स्टार एंड, अभी मैं बताऊंगा आपको स्टार एंड ग्रिड कैसे मतलब दिखता है। तो सेकंड 20 ईयर प्लान था, इसमें कोई पैटर्न नहीं था, तो नो पैटर्न लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो थर्ड था वो था हमारा स्क्वायर एंड ग्रिड, स्क्वायर एंड ग्रिड। ठीक है, तो इसमें अब एक्सप्रेस वे, जैसे कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था उसमें क्या था, एक्सप्रेस वे हमने नहीं बनाया था। ठीक है, क्या इसमें एक्सप्रेस वे की बात की जाए, अगर हम ये देखते हैं कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान में एक्सप्रेस वे बनाया था या नहीं बनाया था, तो इसमें नहीं बनाया था, नील लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन रोड बनाई थी 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर रोड बनाई थी इन 20 ईयर। ठीक है, 20 साल में। इसमें जो था सेकंड 20 ईयर प्लान में एक्सप्रेस वे का भी हिसाब किया गया था, तो इसमें जो एक्सप्रेस वे बना हुआ था 1600 किलोमीटर बनाया गया था। और थर्ड मतलब थर्ड 20 ईयर प्लान, जिसे हम लखनऊ प्लान बोलते हैं, उसमें जो एक्सप्रेस वे बनाया गया वो 2000 किलोमीटर का बनाया गया था, मतलब 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ था इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये तो ऊपर ही नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। अब रोड क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रोड क्लासिफिकेशन। ठीक है, रोड क्लासिफिकेशन में क्या था, जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था इसमें जो रोडें बनी थी NH, जिसे हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, SH, MDR, ODR एंड VR। नेशनल हाईवे बना था, स्टेट हाईवे भी था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी था, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी था एंड विलेज रोड भी शामिल थे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड 20 ईयर प्लान था इसमें कोई भी रोड क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। ठीक है, और जो थर्ड 20 ईयर प्लान, जिसे हम लखनऊ प्लान बोलते हैं, उसमें क्या था, उसमें जो रोड क्लासिफिकेशन किया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी, एक थर्ड और था टर्टरी। ठीक है, मैं देखिए इसका पॉइंट मैं दूसरे पेज पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लखनऊ प्लान, एक सेकंड बिगाड़ लूँ पहले इसका। लखनऊ प्लान में जो रोड क्लासिफिकेशन था ठीक है, रोड क्लासिफिकेशन किया गया वो 3 तरीके से किया गया। पहला प्राइमरी, प्राइमरी रोड्स जिसमें आते हैं हमारे एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। ठीक है, ये फर्स्ट। और जो सेकंड हुआ था वो सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी में जो हमारी रोड क्लासिफाइड हुई थी वो थी SH, यानी कि स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, थर्ड जो क्लासिफाइड किया था टेरिटरी, इसमें क्या था ODR, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड,
एंड लास्ट विलेज रोड। जो लखनऊ प्लान था मतलब ये कौन सा था, थर्ड 20 ईयर प्लान है ये, कौन सा है थर्ड 20 ईयर प्लान जो 1981 टू 2001 तक चला था। इसमें जो रोड क्लासिफिकेशन हुआ था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी में कौन कौन सी रोड आती हैं, प्राइमरी में एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे आते हैं, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है, टेरिटरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड आता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो जो रोड पैटर्न थे जैसे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है ना, स्टार मतलब ब्लॉक पैटर्न क्या है, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न क्या है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब किसके बारे में देख लेंगे हम लोग, रोड पैटर्न। ठीक है, पहला है हमारा रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, ये किस तरीके का होता है, यह पैटर्न सबसे पहले चंडीगढ़ में बनाया गया था। ठीक है, इस पैटर्न को आई.ई. कॉर्बुसियर ने दिया। अब ये मतलब ये मत सोचो किसने दिया, बस रेक्टेंगुलर एंड जो ब्लैक पैटर्न है कहाँ पाया, सबसे पहले कहाँ बना था, चंडीगढ़ में। ठीक है, और ये किस टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा बिजनेस एरिया एंड दिस इज, ये दोनों बिजनेस एरिया है, सेंट्रल बिजनेस एरिया, रोड्स हमारी ये है। ठीक है, जो यहाँ की गलियाँ होती हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होंगी, मतलब राइट रेक्टेंगुलर का मतलब यही है, राइट एंगल। जो भी गलियां होंगी राउंडेड, मतलब राउंडेड नहीं, रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि 90 एंगल पर होंगी, तो उसे हम कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न जो है इसमें क्या है, सपोज दैट ये एक ब्लॉक है आपका। ये यहाँ से रोड गई, दिस इज अ सेंट्रल बिजनेस पार्क, ये जो है बीच में ये सेंट्रल बिजनेस पार्ट है हमारा। ठीक, और जो कुछ इस तरीके से इसका फिगर होता है, ये रेडियल रोड है, मतलब ये रोड है एक तरीके से। ठीक है, ये रोड्स, ये भी ये रोड्स हैं सारी, इसमें बीच में से गलियां वलियां निकल के, तो ये जहां हम लोग रहते हैं बिजनेस पार्ट, दिस दिस इज अ बिजनेस पार्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल बिजनेस एरिया। और थर्ड जो होता है हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, जो थर्ड है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में ये कहा, नागपुर प्लान में था हमारा, किस में था, नागपुर प्लान में जो रोड्स बनी थी वो किस पैटर्न पर बनी थी, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर। ठीक है, तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, सपोज दैट ये रोड्स कहीं निकली हैं, अरे थोड़ा गंदा सा लग रहा है, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ 1 मिनट को। ओके,
कुछ इस तरीके के रोडे आपको मिल रहे हैं कहीं, तो दिस इज द स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ये क्या है, हमारी रिंग रोड है। ओके, दिस इज रेडियल रोड। ओके, सॉरी, ये जो है वो स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न है, ना कि ग्रिड पैटर्न। और सॉरी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी। ये क्या है, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न है। ये नागपुर में नहीं था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। तो फोर्थ हम अपने लिखेंगे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, सेम होता है, फर्क बस इतना है इसमें कि जो इसमें होता है, एक सेकेंड, दिस इज रोड्स। ओके, एंड कुछ इस तरीके से होता है ये, मतलब एक सटभुज जो आपने देखा होगा, ठीक है, इसी तरीके से रहता है ये। ठीक है, तो ये होता है रेडियल रोड्स। तो ये है हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, दिस दिस इज द स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, समझ में आया किस किस पैटर्न होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं। एक हेक्सागोनल और होता है, हेक्सागोनल आपके लिए तो मैं बता तो देता ही हूँ, मतलब समझ जाइएगा कि हेक्सागोनल कैसा होता है। एक पैटर्न होता है आपका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक है। हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि कुछ इस तरीके से होता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। ये इस टाइप से जो होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल पैटर्न कहाँ होता है, यूरोप देशों में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में इसका जो यूज होता है, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया अभी तक, मतलब एक तरीके से समझ लिया कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन के बाद अब क्या करेंगे, हम लोगों को पता चला रोड वोड बना ली, अब रोड के अंदर घुसेंगे और रोड में पता करेंगे कैसे कैसे। अब हम जैसे हमको सपोज दैट ये आपका यूपी है, कुछ इस तरीके से मैप है ना अपना, ये आपका यूपी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब रोड बनानी है, हाईवे बनानी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सॉरी, जब हमको रोड से हाईवे बनाने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैप उठाते हैं। जैसे हमें यूपी में बनाना है तो सबसे पहले हम यूपी का मैप उठाएंगे, और यूपी में पता चले, जैसे हमें आगरा टू इलाहाबाद बनाना है, आगरा टू इलाहाबाद, जैसे अब हम प्रयागराज बोलते हैं, ठीक। हमें यहाँ से यहाँ तक क्या बनाना है, एक एक्सप्रेस वे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगरा टू इलाहाबाद मैप उठाएंगे, मैप में ये देखेंगे, पॉलिटिकल मैप भी लेंगे, और दो मैप होते हैं ना, नेचुरल एंड पॉलिटिकल, नहीं यार, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक और होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। तो मतलब मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैप की स्टडी करेंगे, मैप देखेंगे अच्छे से कि कहाँ से हम रूट निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे,
जब मैप स्टडी कर ली, पढ़ ली, फिर उसके सड़कों का डिटेल सर्वे करेंगे, ठीक है, और पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब डिटेल स्टडी करने के लिए, एबनी लेवल यूज़ कर सकते हैं, टेंजेंट किलोमीटर यूज़ करेंगे, या बैरोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मैप पे नहीं होती है, हर चीज़ मैप पर नहीं होती है। हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे, उसके ग्रेडियंट का पता करेंगे, ऐसा तो नहीं कि कहीं ज़्यादा ग्रेडियंट आ रहा हो, कहीं ज़्यादा चढ़ाव आ गया हो, है ना, और वहाँ जाके देखेंगे कि ऐसी जगह से तो नहीं है, पता चले पूरा का पूरा गांव चला जा रहा हूँ। तो हम जो हाईवेज बनाते हैं, जो पूरी चारों तरफ देखते हुए बनाएंगे कि ज़्यादा नुकसान ना हो किसी को, है ना, अगर कोई नदी नाला आ रहा है तो उसके ऊपर ब्रिज भी बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सॉइल वगैरह चेक करेंगे वहाँ की कैसी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी पता करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ जो हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, जो मटेरियल हमें यूज़ करना है, वो वहाँ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, पता चले बहुत दूर से तुम्हें मंगाना पड़े, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपने टेक्निकल टर्म्स में, तो जो हम उसका स्टार्ट करेंगे टेक्निकल टर्म में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंजीनियरिंग सर्वे टू डिसाइड लोकेटिंग ऑफ ए हाईवे, लोकेटिंग ऑफ अ हाईवे। हाईवे बनाना है सबसे पहले, मैंने भी आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप की स्टडी करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करेंगे, मतलब वहाँ जाके पता करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। थर्ड में हम करेंगे प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है। फोर्थ जो हम करेंगे उसका डिटेल्ड सर्वे करेंगे। देखो अब ये सब होते क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैप स्टडी के बारे में, मैप स्टडी कैसे करेंगे, मैंने भी आपको बताया था कि मैप की स्टडी करते हैं। एरिया में टोपोग्राफी मैप के द्वारा सड़क के रूट का सुझाव दिया जाता है, तथा मेन फीचर्स जैसे नदियाँ, पहाड़ियाँ और घाटियाँ इत्यादि प्रदेश होते हैं किस पे, मैप पर। मैप पर आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि घाटी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, नदियाँ कहाँ है ना, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमें ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं, है ना, मैप की स्टडी कर ली। अब मैप की स्टडी करने के बाद अब क्या करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे सेकंड स्टेज में, यानी कि रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करने। जब हम वहाँ जाएंगे, इस सर्वे का क्या सेकंड स्टेज होता है, मतलब जब हाईवे बनाएंगे तो सेकंड स्टेज हमारा यही है, क्या है, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, और हो सके तो नोट भी कर लेना, है? यह सर्वे का सेकंड स्टेज होता है, जिसके अंतर्गत किसी सड़क को डिटेल्ड सर्वे करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार के सर्वे में वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जैसे एबनी लेवल, टेंजेंट क्लोनोमीटर, बैरोमीटर आदि का हम यूज़ करते हैं। इस सर्वे के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को नोट किया जाता है। पहला, क्या क्या नोट करेंगे, सभी विवरण जैसे मैप में जो भी दिया गया हो, है ना, या जो मैप में नहीं होंगे, जैसे काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें मैप में नहीं होती हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी विवरण में जो मैप में नहीं होता है उन्हें क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, अलाइनमेंट के अंतर्गत आने वाले ग्रेडियंट्स की लंबाई और कर्व का रेडियस इत्यादि को नोट करेंगे, कि कितना रेडियस आ रहा है, कितना ग्रेडियंट है, ये सारी चीज़ें हम अपने फाइल में नोट करेंगे। फिर रूट के अंतर्गत मैक्सिमम फ्लड लेवल, क्रॉसिंग ड्रेनेज स्ट्रक्चर एंड ग्राउंड वाटर टेबल इत्यादि नोट किया जाता है। अब जो रूट हम बनाएंगे, जो हम हाईवे की रोड का रूट बनाएंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे उस रूट के अंतर्गत कि इसमें ऐसा तो नहीं कि जब बाढ़ बाढ़ आती है तो इसमें पूरा पानी भर जाए रोड पे, तो हमारा हाईवे बंद हो जाएगा, ये चीज़ हम देखेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज कैसा है वहाँ का, ड्रेनेज के बारे में पता करेंगे, ठीक है, उसका ग्राउंड वाटर टेबल कितना है ये भी पता करेंगे, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, नोट करेंगे वहाँ पे। फिर क्या करेंगे, फिर उस सॉइल का, सॉइल के जो कंडीशन
किस टाइप की सॉइल है वहाँ पे, क्ले तो नहीं है कहीं, है ना, उसके जोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पता करेंगे, है ना। तो ये सब किसके अंदर अंतर्गत आएगा, ये रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के अंतर्गत आता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पानी की लोकेशन, ठीक है, स्टोन वगैरह मिल जाएंगे आसानी से क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम पता करके लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। प्रीलिमिनरी सर्वे में के मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य है कि रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के पश्चात, मतलब हम रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के बाद जब आए हैं, तो अलाइनमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन प्राप्त होते हैं, तथा उनके सभी भौतिक सूचनाओं और जानकारियों को कलेक्ट कर लिया जाता है, और सभी प्राप्त ऑप्शंस को आपस में तुलना किया जाता है। सारी चीज़ें हमने कर ली, फिर हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि किधर से रूट लेके, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम एक ही साइड देख के आएंगे। हमें जब हम रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं तो क्या करते हैं, तीन चार तरह की रूट देखते हैं कि इधर से ले जाएं, इधर से ले जाएं, या यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, जैसे भी ले जाएं, या फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए ले जाएं। मैंने मान लो यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचना है, तो कैसे भी जा सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। फिर ये देखते हैं कि सबसे कम खर्चा किस में आ रहा है, और सबसे पास कौन सा है, और कौन सी रोड उपयुक्त रहेगी, है ना, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अर्थवर्क मटेरियल की क्वालिटी का एस्टीमेट, अन कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट तथा अन अल्टरनेट ऑप्शन का कॉस्ट, सभी पैसे वगैरह, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं। फिर लास्ट में इतना सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट रोड भी सेलेक्ट कर ली कि हाँ अब हमको ये वाली जो रोड है, ये वाली, मतलब मान सपोज दैट ये रोड जो है वो मतलब परफेक्ट बन रही है, इसमें ना तो कोई ग्रेडियंट है, सॉइल भी सारी अच्छी है, कोई फ्लड नहीं आता है, ड्रेनेज भी बढ़िया है यहाँ पे, है ना, तो और जो मटेरियल वगैरह सब कुछ आराम से मिल भी रहा है। तो क्या करेंगे, तो हमें हमने ये चॉइस कर ली कि हाँ हमें अब ये चीज़ बनानी है। अब क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे रोड, इसी पे, इस रोड पे जाएंगे, यहाँ हर चीज़ का पता करेंगे जाके डिज़ाइन ऑफिस में, मतलब पूरा कर लिया सब कुछ। अब क्या करेंगे, अब डिज़ाइन बनाएंगे ऑफिस में बैठ के। जो डिटेल सर्वे हम करेंगे, डिटेल सर्वे, अरे रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा, अरे सही से लिख लेते हैं ना। रिकॉग्नाइज सर्वे आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम जाके साइट पे जाके सारी सारी चीज़ें देखते हैं। थर्ड क्या था, प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने रूट एक डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें ये रूट बनाना है, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिटेल्ड सर्वे। देखिए मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हुआ है हाईवे का, आप वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप समझिए और नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब डिटेल्ड सर्वे में क्या है, ऑफिस में बैठेंगे आराम से, वहाँ पे पूरा मैप रेडी करेंगे अपनी रोड का कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, इतनी दूरी पर ये चीज़ है यहाँ, मतलब पूरा सब कुछ रेडी कर लेना है। डिटेल्ड सर्वे फिक्स्ड या टेम्परेरी बेंचमार्क का प्रयोग करके ड्रेनेज और अर्थवर्क के कैलकुलेशन करते हैं। सेंट्रल रोड संगठन की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी, ये पॉइंट एक लिखा हुआ है नोट्स में, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी यार, चलिए। तो ये तो हमने सर्वे कर लिया और पता चल गया कि हाँ हम अब रोड बनाएंगे। अब रोड की रेडी हो गया, रास्ता भी पता चल गया कि हाँ हमें ये वाले रास्ते पर रोड बनानी है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। अब चलो रोड बनाएंगे बढ़िया से, ठीक है, पेमेंट वेमेंट जो भी होगा सब सब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।